तो प्रश्न ये था कि प्रभु जी, ये जो हरे कृष्णा इस्कॉन के डिवोटीज हैं, आप लोग बांके बिहारी जी के मंदिर में क्यों नहीं जाते? तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो इसमें ना दो पहलू हैं। सबसे पहला पहलू ये है कि देखिए, जो कृष्ण है वो बांके बिहारी मंदिर में भी है और कृष्णा इस्कॉन मंदिर में भी है। तो एक दृष्टिकोण से आप चाहे बांके बिहारी मंदिर में जाएं, चाहे इस्कॉन मंदिर में जाएं, एक ही बात है, आप दर्शन कर रहे हैं भगवान के। भगवान सब जगह हैं, वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, दोनों मंदिर यहाँ भी हैं, यहाँ पे भी भगवान है। तो एक दृष्टिकोण ये हो गया। अब इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये कहता है कि भगवान तो दोनों जगह हैं, परंतु भगवान की किस प्रकार से सेवा करनी है, भगवान की सेवा करने का ज्ञान हमें कहाँ पे मिलता है? इस्कॉन मंदिर में मिलता है, क्योंकि इस्कॉन मंदिर में हमें शिक्षा दी जाती है, जिसके थ्रू हम सीखें कि भगवान के दर्शन करने के लिए आपके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर आपके पास शिक्षा नहीं होगी तो दर्शन करने का लाभ पूर्ण नहीं होगा। तो दूसरा दृष्टिकोण यह है कि आप मंदिर जाएं, तो आप मंदिर में जाकर जो भगवान के भक्त हैं उनसे सुने कि भाई मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, मैं उस संबंध को कैसे एस्टैब्लिश करूं। क्या केवल दर्शन करके संबंध बन जाएगा प्रभु जी? मैं भी शायद बन जाए, बट आपको पूछना पड़ेगा। तो यदि आपको संबंध बनाना है तो आपको इस्कॉन मंदिर में जो शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा के ऊपर फोकस करना है। इस्कॉन मंदिर में ओके, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन होता रहता है, बट अल्टीमेटली उसका लक्ष्य क्या है? आप गीता ज्ञान को समझिए, शिक्षा को लीजिए। अगर आप जीवन में शिक्षा नहीं लेंगे तो सब कुछ करते हुए भी वो अल्टीमेटली बेकार हो जाएगा। तो पहले दृष्टिकोण को भी समझिए और दूसरे दृष्टिकोण को भी समझिए और शिक्षा लीजिए। ये एजुकेशन सिस्टम है भगवान को समझने का, भगवान को पाने का, भगवान से प्रेम करने का। ये एजुकेशन सिस्टम समाज में एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता भगवान कौन है। यही अपने आप में बहुत बड़ा कंफ्यूजन का विषय है कि भगवान कौन है। इसीलिए लोग सनातन धर्म के ऊपर उंगलियां उठाते रहते हैं, क्योंकि हमें ही नहीं पता कि भगवान कौन है हमारे। अगर हमें पता होगा तब तो हम इस संसार के लोगों को कुछ आंसर दे पाएंगे। हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि हमें कोई एजुकेशन ही नहीं मिली, बचपन से ही नहीं मिली। उल्टी सीधी थोड़ी बहुत आधी पोनी नपीतुली एजुकेशन मिल गई भगवान की, हम सोच रहे वही एजुकेशन सब कुछ है। वो सब कुछ नहीं है। वो जो आपने सीखा था वो तो वैसे ही आपने उल्टा सीधा सीख लिया, फंस गए उससे, बल्कि हम खुद ही कंफ्यूज हुए बैठे हैं। इसलिए हम भगवान के विषय में बात नहीं करते और सारी बातें करने में बिजी रहते हैं, और लोग बाकी धर्मों में लोग हमारे ऊपर ताने देते रहते हैं, क्योंकि हमने अपने धर्म की दुर्गति खुद ही की है। एक्चुअली कोई और कल्प्रिट नहीं है। हम दूसरों को दोष दे सकते हैं, पर दूसरों से ज्यादा बड़े दोषी हम खुद हैं, क्योंकि हम अपने धर्म की शिक्षा को खुद ही नहीं समझना चाहते। हमें लगता है कि ओके, कीर्तन कर लिया, मंडली बन गई, मंडली में भजन कीर्तन हो गया, प्रसाद बढ़ गया, चलो घर। हमारा धर्म केवल हमें ये नहीं सिखाता, हमारे धर्म में बहुत कुछ है सीखने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।